रहा है तू? तेरी कितनी हिम्मत? मेरे पुश्तैनी जायदाद पे नजर रखेगा तू? अगर हिम्मत है तो सामने आके दिखा। मेरे घर की तरफ बढ़ता हुआ तेरा हर एक कदम तुझे भारी पड़ेगा, भारी पड़ेगा। यार यहाँ पे तो कोई भी नहीं दिख रहा, किससे पूछूं? इतना घना जंगल है, कोई साइन बोर्ड भी नहीं है यहाँ पे। अरे भाई साहब, ये पिपलिया गांव का रास्ता यही है ना? अरे सुनो ना भाई साहब, अरे बड़ा अजीब आदमी है। हाय बेबी। हाय, पहुंच गए? बस पहुंचने वाला हूँ। डोंट टेल मी तुम अब तक नहीं पहुंचे, इतने लेट कैसे हो गए? एक्चुअली क्या है, ये जगह शहर से काफी दूर है और यहाँ ज्यादा लोग भी नहीं दिख रहे मुझे। ऑलराइट, टेल मी, आर यू मिसिंग मी? ऑफ कोर्स, अभी पूछने वाली क्या बात है। अच्छा तुम एक काम करो, जल्दी जल्दी ये सारी फॉर्मेलिटीज खत्म कर लो, अपनी सारी कागजी कार्रवाई एंड ऑल दैट। उसके बाद मे बी नेक्स्ट फ्लाइट से आई कैन कम एंड जॉइन यू इन इंडिया। व्हाट्स इट? ग्रेट, दैट्स गुड न्यूज। अच्छा बेबी, मुझे लग रहा है कि मैं पहुंच गया हूँ, वो मकान दिख रहा है मुझे। अरे ये गेट क्यों बंद है? जी, राय रंजीत के मकान में जा रहे हो? हाँ। मच्छा मच्छा, वो तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। अच्छा मच्छा, लेकिन आप कौन है? मैं तुम्हारी मौत, तुम्हारी मौत। ए बुढ़िया, चल चल ले जा। अच्छा अच्छा, वरना तू भी मरेगा, तू भी मरेगा। मिस्टर साहब, आप राज साहब हैं? हाँ 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 हाँ, आइए आइए आइए। हेलो राज, राज आई ओके? कौन था? हाँ हाँ, अरे वंदना मैं ठीक हूँ, कोई नहीं था। और मैं पहुंच गया हूँ, ठीक है, बंगले पे। मैं कॉल करता हूँ तुम्हें। ओके ओके, यू टेक केयर। हाँ, आई विल स्पीक टू यू सून, बाय बाय बाय। आइए साहब। साहब, सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, लेकिन वो औरत कौन थी? बुढ़िया औरत जो आपसे बात कर रही थी ना, लाली नाम है उसका, थोड़ी अजीब सी है। आपको उसकी बातों का बुरा तो नहीं लगा? नहीं, बुरा नहीं लगा मुझे, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि उस औरत ने मुझे यहाँ आने से मना क्यों किया। जाने दीजिए ना साहब उसकी बातों का, थोड़ी सी हिली हुई है, कुछ भी बकती रहती है। आप आइए, अंदर आइए। ये आदमी तो मुझे बीच रास्ते में मिला था। आप, उसका नाम कमल है, यहाँ का माली। हमने सोचा अब आप यहाँ पर रहने वाले हैं तो क्यों ना बगीचे के जो रंग बिरंगे फूल हैं फिर से खिल उठाएं। अच्छा, आइए साहब।
अच्छा एक बात बताइए जी, यहाँ कितने साल से काम कर रहे हैं आप? बस साहब ये समझ लीजिए कि मैंने बचपन में चलना यहीं से सीखा था और अब इस घर से तभी जाऊंगा जब मेरी अर्थी उठेगी। साहब अब ये घर आपका है, कहीं आप मुझे नौकरी से निकाल तो नहीं? अरे नहीं 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 चाचा, ऐसे कैसे बात कर रहे हैं आप? ऐसी कोई बात नहीं, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। और इसमें इतने बड़े घर की देखरेख आपके सिवा और कौन कर सकता है? वाकई में आप बहुत नेक इंसान हैं। आइए। साहब ये है आपका रूम, वॉशरूम उधर है, आप फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं आपके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करता हूँ। ठीक है ठीक है सर। चला जा चला जा चला जा वरना तू भी मरेगा। कौन? मैंने कहा ना चला जा। कौन है? जैसे बाकी लोग मरे हैं वैसे तू भी मरेगा। शांत हो जाइए, कौन बोल रही हैं? मैं कौन बोल रही हूँ, मुझे क्या काम है, मैं सिर्फ उन्हें बताऊंगी। Can you just make me speak to him right now, please? एक मिनट होल्ड करिए। सर, हाँ, सर फोन कॉल है। सर कोई लेडी है, बहुत रो रही है, कह रही है सिर्फ आपसे बात करेगी। हेलो? हेलो, एसीपी प्रद्युमन। हाँ मैं एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ। सर। हाँ कहिए। मैं बंदा बोल रही हूँ अमेरिका से। हाँ बताइए। सर मेरे साथ बहुत 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 बुरा हुआ सर। क्या हुआ आपके साथ? सर मेरे फियांसे राज इंडिया गए थे पुश्तैनी मकान खरीदने। सर मधुमक्खियों के काटने से उनके उनके बहुत हो गए। क्या? अच्छा तो बताइए मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? सर लेकिन मुझे लगता है कि उनकी मौत मधुमक्खियों के काटने से नहीं हुई। In fact, उनका मर्डर हुआ। He's been killed. ऐसे क्यों लगता है आपको कि उनका खून हुआ है? सर वो जब प्रॉपर्टी खरीदने के बाद कागजी कार्रवाई के लिए जा रहे थे तो तब
तब क्या हुआ? सर मैंने साफ साफ सुना था राज को कोई औरत धमका रही थी। कौन कौन थी वो औरत? नो सर, आई हैव नो क्लू। जरा एक बात बताइए, क्या आपके राज की यहाँ इंडिया में किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था? नहीं सर, राज की किसी के साथ कोई एनिमिटी, कोई दुश्मनी नहीं थी। राज तो इंडिया में किसी को जानता ही नहीं था। तो फिर कौन कर सकता है ये? कौन जान ले सकता है राज की? क्या आपको किसी पर शक है? नहीं सर, कोई शक नहीं सर। राज तो एक नेक काम करने जा रहे थे। कैसा काम? He wanted to start an orphanage. सिर्फ एक अनाथाश्रम खोलना चाहते थे वो। वाकई नेक काम है, लेकिन किससे खरीदने वाले थे मकान वो? सब मकान तो वो ऑलरेडी खरीद चुके थे गवर्नमेंट से नीलामी के बाद। वो सर इंडिया कागजी कार्रवाई के लिए गए थे। देखिए एक काम कीजिए, सारे के सारे डिटेल मुझे भेज दीजिए, मैं आपकी पूरी की पूरी मदद करूंगा, ठीक है? सर मैंने CID के बारे में बहुत सुना। सर मुझे भी जस्टिस मिलेगी ना? वंदना जी, मैं आपसे वादा करता हूँ, आपको पूरा का पूरा इंसाफ दिलाएंगे हम, और जिसने भी आपके राज के साथ बुरा किया है उसे हम सजा दिलवाएंगे। वंदना, उसका मंगेतर राज अमेरिका से इंडिया आता है मकान खरीदने, अनाथाश्रम चलाने, पर राज की मौत होती है मधुमक्खी के काटने से। इंटरेस्टिंग। सर यही वही बंगला है जो राज ने सरकार से नीलामी में खरीदा था। अच्छी खासी प्रॉपर्टी लग रही है। आप देखभाल करते हो उस जगह की? जी हाँ, कहिए। कहेंगे आप, हम सिर्फ सुनेंगे। क्या मतलब? CID क्या बात होगी सर? राज राकेश नाम के एक आदमी का खून हुआ है यहाँ पे। बहुत बुरा हुआ सर उनके साथ। उन्होंने सरकार से ये मकान खरीदा था। हाँ उन्हीं की बात कर रहे हैं। उनका खून नहीं हुआ, मधुमक्खियों के काटने से उनकी मौत हुई है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। देखा होगा आपने, लेकिन यहाँ इस बंगलों में आने से पहले किसी औरत ने उन्हें धमकी दी थी। कुछ जानते हो उस औरत के बारे में? अच्छा वो लाली साहब, वो बुढ़िया तो बेतुकी बेसर की बातें करती रहती है। आप उसकी बातों को गंभीरता से मत लीजिए। क्या गंभीरता से लेना और क्या नहीं वो हम तय कर लेंगे। आप ये बताइए कि वो लाली वो रहती कहाँ है? कहीं भी नहीं सर। कहीं भी नहीं मतलब? उस बेचारी का ना तो अपना कोई घर है और ना ही कोई अपना परिवार, बस दिन भर इधर उधर घूमती रहती है। नहीं कहीं तो बैठती होगी, खाना वाना खाती होगी, कोई एक जगह होगी ना जहाँ पे वो रहती होगी ज्यादातर? हाँ पास में एक तालाब है, अक्सर वहीं बैठी रहती है। अच्छा दे, क्या तुम इस लाली से मिल लो, तब तक इस मकान का चक्कर लगा लेता हूँ मैं। ठीक है, अब जरा वो जगह दिखाओ जहाँ पे खून हुआ था। आइए साहब। राज साहब यहां गिरे पड़े थे। पहले मधुमक्खियों ने राज साहब को मारा, फिर वो खुद मर गए। ये मधुमक्खी के हमले यहाँ पे अक्सर होते रहते हैं क्या? नहीं साहब, इससे पहले तो मैंने एक मधुमक्खी भी नहीं देखी यहाँ। पता नहीं राज साहब के पीछे इतनी सारी मधुमक्खियां अचानक कहाँ से आ गई। राय रंजीत की हवेली से आ रहे हो ना तुम लोग? क्या कहा आपने? राय रंजीत के मकान से लौट रहे हो? आप कौन है? क्यों गए थे वहाँ? अपनी मौत को दावत देने गए थे? सर, लगता है ये लाली है। आप लाली हो ना? हाँ, तुम्हें किसने बताया? तुम्हें राय रंजीत के जासूसों ने यहाँ भेजा है? हाँ, उन्होंने ही भेजा है ना यहाँ पे। कौन कौन राय रंजीत?
सांप था वो, सांप। उसने मेरी दादी को धोखा दिया, उन्हें अपने ही घर से धक्के मार के निकाल दिया। निकालो इसे बाहर। छोड़िए मुझे, मुझे मेरे घर से मत निकाल, मुझे मेरे घर से मत। शर्म आनी चाहिए तुम्हें रंजीत, तुम अपनी खुद की भाभी को घर से बाहर निकाल रहे हो। कम से कम अपने भैया का तो लिहाज किया होता। अरे उनका क्या लिहाज करना, उन्होंने खुद ही तो अंगूठा लगाकर ये घर मेरे नाम किया है। तूने उन्हें शराब पिलाकर धोखे से अंगूठा लगवाया था। अब क्यों किया, कैसे किया, इस गहराई में जाने से क्या फायदा। समझने वाली बात तो ये है कि ये मकान अब मेरा है और तू सड़क पर आ गई है। चलो निकलो इसे यहाँ से। तेरे हिस्से में ना सिर्फ घर नहीं आया है, एक मकान आया है, एक ऐसा मकान जिसके हर कोने में मेरी बदुआएं गूंजेगी। मैं तुझे श्राप देती हूँ, सिर्फ तू ही नहीं, इस घर का जो भी मकान मालिक बनेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। मौत का खेल होगा यहाँ, मौत का खेल। अब तक कितने लोग मरे? वो सब लोग मर गए जिन्होंने वो मकान खरीदना चाहा। तुम लोग वो घर मत खरीदना, तुम भले लोग लग रहे हो वरना तुम्हारी बीवी विधवा हो जाएगी। माँ जी, ये कुछ पैसे हैं, काम आएंगे। सर, लगता नहीं है इसका राज की मौत में कोई हाथ है। ये तो खुद बिचारी सदमे और विश्वास में लग रही है। हो सकता है राज की मौत कोई मर्डर ही ना हो, कोई हादसा हो। अरे ये कमरा खुला कैसे, ये तो बंद था। एक मिनट रुको, शायद राज ने खोला। यह है तो छत्ता यहां पे। इधर आ। जी सर। ये है मधुमक्खी का छत्ता। अरे मैं पहली बार देख रहा हूँ साहब। तो ये राज यहाँ इस स्टोर रूम में क्या करने आया था? साहब शायद बंगलू देखने आए होंगे। अच्छा, और उस वक्त तुम खाना लेने गए थे? जी सर। वो कौन है? वो कमल है साहब, यहाँ का माली। राज साहब की मौत हुई थी तो ये था यहाँ पे? जी हाँ था। कमल इधर आओ, साहब बुला रहे। जी सर। कमल, जब राज साहब की मौत हुई थी तो यहाँ आसपास किसी अनजान आदमी को देखा था तुमने? कोई अजीब सी घटना हुई हो? नहीं साहब। तो ये छत्ता यहाँ पे है तो तुम्हें कुछ काम करने में परेशानी नहीं होती? मधुमक्खी ने काटा नहीं तुमको कभी? नहीं सर, मधुमक्खी तो तब काटती ना जब यहाँ कोई छत्ता होता। पहले तो मैंने ये छत्ता यहाँ देखा ही नहीं साहब। क्या बात कर रहे? हाँ साहब, मैंने आपसे पहले कहा ना कि इससे पहले इस घर में हमने एक मधुमक्खी भी नहीं देखी। कमाल है, फिर ये छत्ता आया कहाँ से और मधुमक्खियों ने राज को ही क्यों काटा? ये तो कोई एक्सपर्ट ही बता सकते हैं। आसान के क्या पता चला राज की मौत के बारे में? मौत कैसे हुई? बस इसकी मौत मधुमक्खियों की वजह से हुई है। यार तुझे पूरा यकीन है राज की मौत मधुमक्खियों की वजह से ही हुई है? हाँ बस, ये डॉक्टर ने जो रिपोर्ट बनाई है मैंने वो भी देख ली, इस राज का अच्छी तरह से चेकअप भी कर लिया। मुझे पूरा यकीन है राज की मौत मधुमक्खियों के डंक के जहर की वजह से ही हुई है। सर, बचपन में मुझे मधुमक्खी ने काटा था, मैं तो जिंदा हूँ। हाँ सालूंगे साहब, पंकज पे जहर का असर क्यों नहीं हुआ? अरे
पंकज को मधुमक्खी ने काटा था, मधुमक्खियों ने नहीं काटा था। बॉस अगर एक दो मधुमक्खी काटे तो बात समझ में आती है, लेकिन सैकड़ों मधुमक्खियां अगर हमला कर दे तो इट्स इम्पॉसिबल। मधुमक्खियों के डंक से सड़ुंखे कहता है कि राज की मौत मधुमक्खियों के डंक से हुई है, मधुमक्खियों के जहर से। और राज की मंगेतर वंदना कहती है कि राज का खून हुआ है। हंड्रेड परसेंट इस छत्ते को बाहर से लाकर यहाँ पर लगाया गया। मधुमक्खी के छत्ते को किसी और जगह से लाके किसी और जगह लगाया जा सकता है? इतना आसान है? इतना मुश्किल भी नहीं है। शहद के व्यापार के लिए अक्सर ऐसा किया जाता है। आप बता सकते हैं कितने दिन पहले इस छत्ते को यहाँ पर लगाया गया? ज्यादा दिन नहीं, लगभग 2-3 दिन। सर अगर मान भी ले कि खूनी ने यह छत्ता यहाँ पर इसलिए लगाया था कि वो राज को मार सके, लेकिन उसे कैसे पता था कि ये मधुमक्खियाँ राज पे ही हमला करेंगे, किसी और पे नहीं? मधुमक्खियाँ बिना वजह किसी पे भी डंक नहीं मारती, क्योंकि डंक मारने के बाद उनकी खुद की भी मौत हो जाती है। तो ऐसी क्या चीज है जो उन्हें उत्तेजित करती है अटैक करने के लिए? देखिए, जब उन्हें लगता है कि सामने वाले इंसान से उन्हें कुछ खतरा है। अच्छा केदार साहब, ऐसा हो सकता है क्या कि मधुमक्खियों को ट्रेन किया जा सके कि वो किसी एक आदमी पे हमला करें? कैसी बातें करते हैं अभिजीत साहब, ये मधुमक्खियाँ शार्प शूटर नहीं कि कोई भी इन्हें कह दे कि फलां फलां को डंक मार कर आ जाए। अच्छा, आपने अभी भी कहा कि ये मधुमक्खी किसी को काटने के बाद ये खुद भी मर जाती है, तो ऐसी क्या मजबूरी है कि वो किसी को काटती है? ज़रा डिटेल में समझाएंगे? मधुमक्खी जब भी किसी को डंक मारती है तो फेरोमोन नाम का एक गंध छोड़ती है, जिससे कि बाकी मधुमक्खियाँ सचेत होकर सब मिलकर उस पर हमला कर देती हैं। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था, मधुमक्खियाँ बिना वजह किसी पर भी हमला नहीं करती। जरूर राज ने मधुमक्खी के छत्ते के साथ कुछ छेड़खानी की होगी। सर खूनी को कैसे पता था कि राज इस छत्ते के साथ छेड़खानी करेगा? कहीं ये मौत वाकई हादसा तो नहीं? नहीं पूर्वी, राज के आने के ठीक 2 दिन पहले इस छत्ते को यहाँ पे लगाना, ये कोई सहयोग तो नहीं हो सकता। सर राज की मौत के बाद ये घर वंदना के नाम हो जाएगा, क्या इन सबके पीछे वंदना तो नहीं है? वंदना इंडिया का भारी? What nonsense! How could you even think like that? आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि राज की मौत के पीछे मेरा हाथ हो सकता है? और फर्ज कीजिए कि राज की मौत के पीछे मेरा हाथ था, तो मैं आप लोगों को फोन क्यों करती? पुलिस तो ऑलरेडी ये केस क्लोज कर चुकी थी ना? देखिए, हम सिर्फ पूछ रहे हैं। वैसे राज जी के बाद ये मकान किसके नाम पे है? I don't know. राज ने गवर्नमेंट से मकान खरीदा था तो शायद गवर्नमेंट को वापस मिल गया, मुझे अभी तक कोई नोटिस नहीं है। और फिलहाल में राज का किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ था? I have already told you that. राज एक नेक दिल इंसान थे और उनका किसी से दुश्मनी होना was impossible. अगर मुझे पता होता कि राज की नेक दिली उनकी जान ले लेगी तो मैं उन्हें कभी इंडिया आने ही नहीं देती। ये अनाथ आश्रम खोलने का ख्याल राज जी के दिमाग में कैसे आया? राज खुद अनाथ थे, इसलिए वो दूसरे अनाथ बच्चों की फीलिंग समझते थे। वो अनाथ बच्चों को घर जैसा माहौल देना चाहते थे, और जैसे ही उन्हें पता चला कि गवर्नमेंट ये मकान नीलाम कर रही है तो राज ने सबसे ऊंची बोली लगाकर ये मकान खरीद लिया। तो कहीं इस राज की मौत का कारण ये घर तो नहीं है? हो सकता है कोई और भी इस घर को खरीदना चाहता था, राज बीच में आ गया अब इसलिए। What? कोई इतना नीच कैसे हो सकता है? इस दुनिया से इंसानियत टूट गई है क्या? इंसानियत है वंदना जी, इंसानियत है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इंसानियत में जहर घोलने पर तुले हुए हैं। पता करते हैं किस किस को दिलचस्पी थी इस प्रॉपर्टी में। देखिए सर, मैं आप लोगों को नहीं बता सकता हूँ कि राज जी के अलावा किन किन लोगों ने इस नीलामी में हिस्सा लिया था। सॉरी, क्यों नहीं बता सकते? देखिए ये सरकारी सर इंफॉर्मेशन है, ऐसे किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ मैं। हम भी तो CID का ही काम कर रहे हैं। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन क्या है कि अगर सरकारी नोटिस मिल जाए तो मैं ये आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, उसके बिना नहीं दिखा सकता सर। तो नोटिस मिल गया, आप खुश हैं? आप देखिए, अगर काम कायदे से होता है तो अच्छा लगता है। हाँ ठीक है,
ये लीजिए। कुल मिलाकर सर 12 लोग थे जो इस बंगलो को खरीदना चाहते थे सर। सर इस बंगलो के पास एक्चुअली सरकार एक हाईवे बना रही है, इसलिए सब लोग बढ़ चढ़कर बोली लगा रहे हैं और हर कोई इस बंगलो को खरीदना चाहता है। अच्छा, ये राजजी की मौत के बाद अब ये मकान किसको मिलेगा? देखिए, राजजी ने कागजी कार्यवाही पूरी नहीं की थी, इसलिए नीलामी अब दोबारा से होगी और जो विजेता होगा उसको ये बंगलो मिल जाएगा। आई सी। और ये नई नीलामी कब होगी? देखिए सर, अभी उसकी डेट तो तय नहीं है सर, लेकिन आपको एक बात और बताना चाहूंगा सर कि राज्य से जितने भी बिल्डर्स थे वो काफी भड़के हुए थे, काफी नाराज थे, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा बोली लगाई थी। नहीं सर, एक्चुअली उन्होंने डेडलाइन के बाद बिड सबमिट की थी सर, इसी वजह से लोग नाराज थे उनसे। लेकिन अगर डेडलाइन के बाद उन्होंने बिड किया था तो सरकार ने एक्सेप्ट कैसे कर लिया? सर एक्चुअली वहां पर वो अनाथ आश्रम खोलना चाहते थे और सर अमेरिका से जो इंडिया का वक्त का फर्क है सर वो 9.5 घंटे का है, इसलिए सरकार ने वो बिड एक्सेप्ट कर ली थी। देखिए अब घर तो उसी को मिलेगा जिसकी किस्मत में होगा सर। किस्मत में नहीं भी होगा तो उसने अपनी किस्मत की रेखाएं बदलने के लिए कोशिश तो की होगी, और ज़रूर इस लिस्ट में से ही कोई होगा वो। ललित जी, अब तो ये दोबारा नीलामी होगी, तो जिन लोगों ने अप्लाई किया है इस दूसरे नीलामी के लिए, क्या हम उनकी लिस्ट देख सकते हैं? नो, सॉरी, ये लिस्ट आपको मैंने इसलिए दिखा दी कि ये नीलामी हो चुकी है, लेकिन वो जो नई लिस्ट आने वाली है सर वो तो आप किसी भी कीमत पर नहीं देख सकते। अरे 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 सारंगी, तू क्या करने क्या जा रहा है यार? क्या सुन रहा हूँ मैं? जो सुना है सही सुना। बस क्या सुना? रिजाइन हो रहा है तू? हाँ। क्यों क्यों? बस मेरा टाइम आ गया। क्या टाइम आ गया? एक मिनट, टाइम है यार अभी? अरे ये टाइम नहीं यार। तो फिर देखो, हर इंसान को लाइफ में एक ना एक दिन रिटायरमेंट लेना पड़ता है ना, चाहे वो क्रिकेटर हो, म्यूजिशियन हो, कोई भी हो। मेरा भी टाइम आ गया, मैं भी रिटायरमेंट ले रहा हूँ। अबे कहाँ जा रहा है तू? ये देख लो। ये क्या है? देख लो देख लो यार, क्या तू कर रहा है साहब? के समझ में नहीं आ रहा है ये एयर टिकट। हाँ। कहाँ जा रहा है? लंदन? अरे वाह रे वाह। पंकज कैंसिल कर। नहीं नहीं, कैंसिल नहीं होगा। अबे रिफंड मिल जाएगा, पैसे वापस मिल जाएंगे, कल की टिकट है, डोंट वरी। मुझे रिफंड नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ वापस। यार तू ऐसे कैसे जाएगा? क्या हुआ क्या? अरे इतनी बड़ी गलती होगी कि शर्म आ रही है अपने आप पर। ऐसी कौन सी गलती हो गई? वो मधुमक्खियों वाला केस। ओ, मधुमक्खियों वाला केस? हाँ यार। हादसा नहीं है बॉस, वो खून है, खून। यही मुझसे गलती हो गई। मधुमक्खी के एक्सपर्ट से बात हो गई तेरी? क्या बताया उसने? यार एक्सपर्ट से भी बात की, मैंने अच्छी तरह से चेक भी किया, तब मुझे पता पड़ा ये तो हादसा नहीं है, खून है। मधुमक्खियों को तो वो हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है यार। सालों के साथ वो किसे? देखो मधुमक्खियां कब आती है इंसान के पास? जब उन्हें फेरोमोन की गंध आती है तभी ना। हाँ, जब उन्हें इंसानों से खतरा लगता है तब मधुमक्खियां इंसान के पास आती है, डंक मारती है। बस यार यही मुझसे गलती हो गई, मैंने सोचा ही नहीं कि फेरोमोन तो बनाया भी तो जा सकता है ना यार। हाँ यार, फेरोमोन तो आर्टिफिशियली भी बनाया जा सकता है, लेबोरेटरी में, फैक्ट्री में। मतलब किसी ने ये आर्टिफिशियल फेरोमोन बनाया और वो किसी भी तरह से राज के शरीर पर लगा दिया, बस मधुमक्खियां आ गई और उस पर अटैक कर दिया। सड़के उठ उठ उठ, पिपलिया गांव चला जा, वहां पे जहां पे राज का खून हुआ, राज का सारा सामान चेक कर, पता तो चले ये फेरोमोन वहां पर आया कैसे और किसने इस्तेमाल किया ये फेरोमोन राज पर। यस बॉस। ये रहा सर, राज का सारा सामान इस सूटकेस में। ठीक है सर। एसीपी साहब बता रहे थे आप रिटायर होने वाले हो, कब है आपका लास्ट वर्किंग डे? आपके लास्ट वर्किंग डे से एक दिन के बाद। मतलब नहीं आ रहा है। हाँ भैया, एक काम करो, मैं बाहर जाता हूँ और तुम जो है ना एक एक करके सामान मुझे बाहर पकड़ाओ, तो पता करते हैं कि कौन से सामान में फेरोमोन है। ठीक है सर। ये पकड़ेंगे आप, जरा रख लीजिए थोड़ी देर के लिए। दिखेगा ना बाहर? दिखेगा, मधुमक्खी है इसके लिए कह रहा था। तभी जी तो तुम। हाँ। ये पूर्वी है। हाँ। ये दया। अरे दिख रहा है सर, चलिए चलिए चलिए, संभाल के सर, संभाल के। हाँ। चलिए सर।
बेवकूफ। नहीं, इसमें फिरो में नहीं। अरे सर संभल के। अरे कुछ नहीं, जिसमें फेरोमेन होता है उसी पर अटैक करती है। अरे यार हरकत हुई, हरकत हुई। देखो देखो अटैकिंग मूड में आई है ये मधुमक्खियां। देखो सर, किसी ने राज के परफ्यूम में फेरोमोन मिलाया। अरे 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 यार, ये मधुमक्खियों ने मुझे काटा ना। सर आप निकलो यहाँ से। अरे यार, अरे पानी में जाओ, पानी में। पानी कुछ है? अरे सामने उतर सर। अरे उधर कुआं है सर, जाओ ना। कुएं में घुस जाओ। अरे सर निकलो यहाँ से, जाइए सर। बाप, ये मधुमक्खियां आपको रिटायर नहीं होने देंगी सर। बाहर निकालो मुझे। आइए आइए मधुमक्खी। अरे नहीं, आइए आइए। हेलो जी, नमस्ते, कैसे हैं आप? आप जी? मैं चंदुमल फंडुमल कंकेशवास। अरे वाह, बहुत लंबा नाम है आपका। बताइए क्या काम था आपको? जी वो नीलामी के लिए आया था मैं। वो पुराना वाला बंगलो हाईवे के पास, वो खरीदना है मुझे। सर ऐसे नहीं खरीद सकते हैं सर, उसमें नीलामी होगी तभी वो जो जीतेगा वो ही खरीद सकता है। अरे तो पैसा लगाएगा ना? मैं पैसा लगाएगा। देखिए अब टाइम नहीं बचा है, सिर्फ 15 मिनट बचे हैं, आप लेट हो गए। क्या बात कर रहे सर, 15 मिनट में क्या क्या हो जाता है ये देखिए ना। मैं तो ये बिड का लिफाफा भी लाया हूँ, ये देखिए। राकेश इधर रजिस्टर लेकर आ। साहब को दो, एंट्री कीजिए सर। हाँ यहाँ पर एंट्री कर दीजिए। अच्छा यहाँ साइन कर दीजिए लास्ट को। गुड, लाइक इट। अच्छा वेरी गुड, ये तो अच्छा हो गया सर। वो बंगले का चाबी? मजाक कर रहे हैं? अरे चाबी ऐसे थोड़ा ना मिलता। अरे भाई बोली लगेगी, नीलामी होगी, उसके बाद जो जीतेगा उसको मिलेगा। भाई क्या बात कर रहे हैं आप? बेट तो मैं ही जीतूंगा, ये पक्का है। भाभी और बच्चों को मेरा प्यार देना, ठीक है सर? थैंक यू। पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं, कमाल है। क्या भाई साहब काम हुआ? सर ये देखिए चंदुमल फंडुमल कंकेशवास का कमाल। बैठ जाओ पंकज। 12 में से 2 लोग हैं जिन्होंने दोबारा बोली लगाई है इस मकान को खरीदने के लिए, हेमंत और रोशन। मतलब खूनी इन्हीं 2 में से कोई हो सकता है। और जो कोई भी है इस बार भी इस मकान को हथियाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। दोस्तों अब ये वक्त आ गया है कि बता दिया जाए कि नीलामी का विजेता आखिर है कौन। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि नीलामी के जो विजेता है मिस्टर रोशन। रोशन जी आपको बहुत बहुत बधाई हो। एक मिनट, काय की बधाई हो? सबसे ज्यादा बेट मैंने लगाई थी, ये कैसे जीत गए? देखिए भाई साहब आपको कोई गलतफहमी हुई है, सबसे ज्यादा बेट मिस्टर रोशन ने लगाई थी इसलिए रोशन को मकान दे दिया गया। ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने बहुत ऊंची बोली लगाई थी, ये बेट मुझे मिलनी चाहिए थी। आप ऐसे ही बात कर रहे हैं सर, मैंने 3 लिफाफे चेक किए हैं और चेक करने के बाद मिस्टर रोशन की कीमत सबसे ज्यादा थी इसलिए मिस्टर रोशन को मकान दे दिया गया है। प्लीज कम ऑन यार, अब हार गए हो तो बच्चों की तरह रो मत, बिजनेस है, ऊंच नीच होती रहती है। बिजनेस में बेईमानी नहीं चलेगी। ये दिखाइए आप, पहले वो लिफाफे दिखाइए, मुझे अभी देखना है किसने कितने बिट करी है। दिखाइए दिखाइए दिखाइए, लाइए मुझे भी चेक। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं दिखा सकते, ये नियम के खिलाफ है। चीटिंग करना भी नियम के खिलाफ है। मैंने 7 करोड़ की बिट करी है,
4 करोड़ इनके अभी हेड ऑफिस से फोन आएगा और बोलेंगे कि मैंने सिर्फ 3 करोड़ लगाए। कोई फोन नहीं, 4 करोड़ कम। आपके कहने से फोन आएगा, चलो उठाओ फोन, उठाओ तुम्हारा अभी। ये मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है आप मुझे नहीं बताएंगे आप? ललित जी, आप तो बड़े कायदे कानून की बातें किया करते थे और फोन भी नहीं उठा रहे हैं। भाई ये तो बहुत गलत बात है, आप ब्यूरो चलिए हमारे साथ। आप कहाँ खिसक रहे रोशन जी, आप हमें मिठाई नहीं खिलाएंगे? नई प्रॉपर्टी ली है आपने, आइए आप ही आइए। आइए आइए। सर रोशन जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं सर। सर रोशन जी का इससे कुछ लेना देना नहीं है, जो भी फ्रॉड हुआ है सर मैंने किया है। ये रोशन का जुर्म अपने सिर पर क्यों ले रहे हो? अच्छा खासा पैसा दिया है क्या रोशन ने तुम्हें? और एक बात याद रख लो, ये पैसा खर्च करने को नहीं मिलेगा क्योंकि तुरंत फांसी होगी तुम्हें। सर सर इतनी सी बेईमानी के लिए फांसी चढ़ा देंगे? नहीं नहीं नहीं, बेईमानी के लिए नहीं, खून के लिए, खून के लिए फांसी होगी। सर खून किसका खून? सर राज राकेश का खून, जिसने पिछली नीलामी में वो घर वो प्रॉपर्टी खरीदी थी। सर लेकिन मैंने किसी को नहीं मारा है सर। सर मैंने नहीं मारा है सर किसी को। पता है पता है, इस रोशन ने मारा है, तो इसकी पोल खोल दो वरना इसके पाप का मटका तुम्हारे सिर पे फूट जाएगा। सर ये क्या कह रहे हैं सर आप, मैं भला राज को क्यों मारूंगा सर? इस प्रॉपर्टी के लिए और किस लिए? क्या कह रहे हैं आप सर? सर मैं मानता हूं कि मैं ललित के साथ मिलकर नीलामी में छोटी मोटी हेरा फेरी करता था, पर सर एक प्रॉपर्टी के लिए किसी का मर्डर थोड़ी कर दूंगा मैं। मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है तुमने ये खून नहीं किया? नहीं सर। चल ठीक है, पूर्वी जरा वो परफ्यूम लाना। ये परफ्यूम छिड़क दूं? हाँ? बाहर मधुमक्खियों का छत्ता है, क्या बोलता है? सर परफ्यूम? हाँ? आपकी मर्जी सर, लेकिन हमारे इस केस से परफ्यूम का क्या लेना देना सर? मुझे वाकई पता नहीं इस परफ्यूम का कोई इस केस से संबंध है। सर जी हम सच कह रहे हैं सर, राज्य की मौत से हमारा कोई संबंध नहीं है सर। सर ललित बिल्कुल ठीक कह रहा है सर। अगर ये खून रोशन ने नहीं किया है तो फिर बचता है वो वही एक। इन कागज से साबित होता है कि तुम राय रंजीत के पोते हो। तुम्हारे पास तो बहुत बड़ी वजह थी इस मकान को वापस पाने के लिए, क्यों? देखिए राय रंजीत का पोता होने से यह साबित नहीं होता कि यह खून मैंने किया है। हेमंत जी, खूनी कभी कभी अपने जुर्म के सबूत अपने साथ लेकर चलता है, जैसे तुम। मैं समझा नहीं। मैं समझाता हूं। ये रहे सबूत। कमाल है सालू के साहब, सेफ्टी सूट पहनने के बावजूद भी आप दोनों को मधुमक्खियों ने काटा। कभी कभी सेफ्टी सूट पहनने के बाद भी मधुमक्खियां डंक मार सकती हैं, और फिर मधुमक्खी के छत्ते को इधर से उधर ले जाने में तो और भी ज्यादा अटैक हो सकता है। नहीं जी देखिए वो दरअसल बहुत हो गया मत, तुम्हारी बेगुनाही का और भी कोई सबूत चाहिए? जी नहीं, मैंने ये सब किया था। जब राज बंगले में घुसा तब मैं वहीं था और मौका देखकर मैं बंगले में घुस गया था। मैंने परफ्यूम की बोतल के अंदर फेरेमोन मिला दिया, उसके बाद राज को आवाज से डिस्ट्रैक्ट किया, मधुमक्खी के छत्ते तक लेकर गया, उसके बाद का काम मधुमक्खियों ने कर दिया था। मुझे मेरा पुश्तैनी मकान वापस चाहिए था। वाह रे वाह, अपने पुश्तैनी मकान के लिए तुमने एक नेक इंसान का खून कर दिया। कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, तुम्हें कम से कम आजीवन कारावास की सजा होगी। ले जाओ इसे पंकज। पंखे केस खत्म, रिटायर हो सकता है तू। अरे मुझे रिटायर होना ही नहीं, कल तक तो बोल रहा था रिटायर करूं। वो कल की बात थी। भगवान मतलब पीछा तो नहीं छूटने वाला इस आदमी से अपना। पीछा नहीं छूटने वाला है किसी का किसी से नहीं, मुझे तुम्हारे बिना चैन नहीं और तुम्हें मेरे बिना चैन नहीं। ये लीजिए, सरकार ने बंगलो अब राज से आपके नाम करने का निर्णय लिया है। उम्मीद है कि अब आप
मिस्टर राज के अनाथ आश्रम खोलने का सपना पूरा कर पाएंगे। राज के जाने के बाद मेरी लाइफ का यही मकसद रह गया है, उसका आखिरी सपना पूरा करना। बट थैंक यू सो मच राज को जस्टिस दिलाने के लिए। हमने जो कुछ भी किया वो तो हमारा फर्ज था। आपको और कोई मदद की जरूरत हो तो हमें जरूर याद करिएगा। कभी कभी आते रहिएगा, उन बच्चों को भी आपसे इंस्पिरेशन मिलेगी। ये भी कोई पूछने की बात है, हो सकता है उन बच्चों में हमें कोई हमारा नया CID ऑफिसर मिल जाए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।